आज स्टार्ट करना है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की। तीन स्टेज होते हैं, ध्यान दो। पहले में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, और दूसरे में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, और कहाँ पे होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, और थर्ड में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू करता है यानी स्टार्ट फॉलिंग। रिलेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान दो, जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है आपके, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, यानी बढ़ता तो है लेकिन ठीक है बड़ी स्पीड से बढ़ता है, और जब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज करता है लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस केस में टीपी क्या होता है, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट, यानी धीरे धीरे बढ़ता है, और एमपी जब जीरो होता है तो टोटल प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, आपके मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, और एमपी जब निगेटिव होता है तो टीपी क्या होता है, हमारा गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, लेक्चर को लाइक रिव्यू और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब।